guys, welcome back to my YouTube channel. As you know, I'm Messi Kumari and welcome to my fun Thursday video. In this video, I talk about my 10th experience. और ये वीडियो को मैं दो पार्ट में बांटूंगी. फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए 10th में और क्या चीज़ें नहीं करने चाहिए. तो फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं 9th में उतनी ज़्यादा पढ़ने में अच्छी नहीं थी. मीन्स एक दिन पढ़ के 70% तक ला सकती थी. इतना पोटेंशियल था, इतना बिलीव था कि इतना ला सकती हूँ. और इसके 80 से एक बार ऊपर गया, उसके बाद नहीं गया. तो और जो 10th में था, उस सब सारा चेंज होकर मैंने अपने पूरा घिसा है यार 10th में. पर मुझे नहीं लगता कि मेरे उतने मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि 9th में मैंने बहुत ख़राब कर दिया था. तो मार्क्स मैटर नहीं करता, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया मे भी आपको मदद करेगा, जरूर मदद करेगा. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट थिंग है जो आपको करना चाहिए गाइस, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप 10th बोर्ड में अच्छा लाने वाले हो. सिर्फ बोलने से नहीं होता कि 10th में मैं इतना ला सकती या ला सकता हूँ. आपको घिसना पड़ेगा और उसके लिए आपको बिलीव होप होना चाहिए. ये फर्स्ट थिंग है. सेकंड थिंग है गाइस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रीडिंग का, राइटिंग का. जो एग्जाम प्लान है, जो चेक कॉपी चेक करता है, वो घंटा जान रहा है कि आपके ये लड़का या लड़की अपने स्कूल की टॉपर है या क्लास की टॉपर है. कोई नहीं जान रहा ना, वो राइटिंग से ही जान रहा है, वो किस तरह से लिखा है उसके हिसाब से जाने वाला. तो बैंक बेंचर, मिडिल बेंचर, फर्स्ट बेंचर कुछ नहीं है एग्जाम पर, वहाँ पर कुछ नहीं. जो आपको मैटर करेगा वो राइटिंग मैटर करेगा कि आपने लिखा कैसे है. तो जितना से जितना आप NCERT को चाट सकते हो, खोल के पी जाओ, इतना मैं कह सकती हूँ. वन थिंग, जब हम लोग पढ़ते थे, ये मेरे भी एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग एक बार बुक पढ़ते थे और ये नोट्स पढ़ते थे, तो हम लोग को लगता था यार मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, एक बार में एक बार पढ़ा और आपको याद जाएगा. कुछ नहीं होने वाला है वैसा. आपको पहले एक बार में कभी चैप्टर आपको पूरा तरह से आएगा ही नहीं. जब तक आप एक चैप्टर को 5 से 6 बार 7 बार नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कभी नहीं होने वाला, ये भूल जाओ. और अगर आपने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम आते आते आपको पैराग्राफ वगैरह जैसे से पता पलटते जाएंगे पेज, पता चल जाएगा इस पैराग्राफ में तो ये है ये है. तो एक बार में कभी नहीं हो सकता. तो आप रीडिंग और राइटिंग ज़्यादा करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें. आप गूगल पे जाके कोई भी चैप्टर्स का MCQs कर सकते हैं, आपको एक नंबर बच जाएगा. ये तो SST और साइंस से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ये आप ज़रूर करें. थर्ड थिंग है जो आपको करनी चाहिए, कभी स्कूल क्लास बंक मत किया करो. अगर आपके स्कूल टीचर बहुत अच्छे हैं ना, तो आपको यूट्यूब वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा. अभी 11th में हूँ, मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते हैं. उसके बाद रीडिंग में करती है ना, तो उसके बाद सारा चैप्टर मुझे समझ आता है क्या कहना चाहता है. तो इसलिए मुझे यूट्यूब देखना नहीं पड़ता. तो क्लास बंक ना करें, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर सीखेंगे. हाँ, अगर आपके टीचर कोई बोरिंग वगैरह है तो एक दो क्लास बंक कर सकते हैं, लेकिन सारा क्लास तो नहीं होगा वैसा. तो ये क्लास बंक ना करें. फोर्थ थिंग जो आपको करनी चाहिए गाइस, अगर आप 10th में और अभी आपको फ्यूचर डिसाइड नहीं है कि आपको आर्ट्स साइंस या कुछ भी बनना है फ्यूचर में, अगर आपको डिसाइड नहीं है, बहुत बच्चे को डिसाइड रहता है, बहुत अच्छी बात है, इसको उनको आगे जाकर क्या करना है. अगर आपको नहीं है तो आप थोड़ा सा फोकस अपने करियर में भी कीजिए, क्योंकि अगर आपका करियर सेट रहेगा ना कि मुझे अपने कुछ सालों के बाद मुझे यहाँ अपने आप को देखना है, तो आप खुद पढ़ोगे. अगर सच में आपको वहाँ पर खड़ा रहना है तो आप ये नहीं सोचे कि एग्जाम के बाद बहुत टाइम है, कोई भी ले लेंगे यार, अभी तो करियर सेट ही नहीं है. नहीं, आपको अपना करियर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में कहाँ खड़ा होना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, अगर आप अभी शुरू से मेहनत करते हो, पढ़ रहे हो 6-7 घंटा एक दिन में, उस टाइम तो लगेगा कि यार सिर्फ मैं ही पढ़ रही हूँ, आपके दोस्त वगैरह पढ़, अरे यार 2 महीने ना पढ़ लेंगे उसमें, तो वैसा कभी ना करें. लास्ट में बहुत प्रेशर बन जाता है. आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम के बारे में, आपका एग्जाम उतना अच्छा जाएगा. एग्जाम नहीं कि आप कितने ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, एग्जाम है कि बस कॉन्फिडेंट मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस यही है एग्जाम, कुछ नहीं है कॉन्फिडेंट के. ना मैं बताऊँगी कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, खास करके 10th क्लास में. आपको बधाई हो, आपका 50-50 पोर्शन बढ़ गया है, तो आपकी अच्छा हो गया यार, हम लोग के साथ नहीं हुआ, फिर भी कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. नो कम्प्लेन. तो गाइज आपको नहीं करना चाहिए. फर्स्ट थिंग है गाइज, बेकार का यूट्यूब वीडियो नहीं देखे, मेरे बहुत टाइम वेस्ट कर दे यार सच में. ना मत देखना. अभी शुरू से जब अप्रैल में था तो बोल रहा था कि अभी से पढ़ाई करो, आपके 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रख सकते. फिर वही कुछ दिन बाद ये बोलेगा कि आप एक दिन में भी वही चैप्टर, मतलब सिलेबस पूरा पढ़ चलते. तो बच्चे पागल है जो शुरू से पढ़ रहे हैं, जब कल का बच्चा आके टॉप कर जाएगा घंटा, मतलब कुछ भी ना. तो फालतू की वीडियोस ना देखे. हाँ देखे हैं कि, पर ऐसे वीडियोज ना देखे कि एक दिन में अपना सिलेबस कम्प्लीट कैसे करें, ये वो, ये सब वीडियो कुछ नहीं होता है, सिर्फ फालतू रहता है. हाँ कुछ वीडियो लॉजिकल बातें करते हैं तो उनको देखिए, नहीं तो ज़्यादातर टाइम वेस्ट मत करें यूट्यूब में पढ़ाई के वीडियो. बस अपना जो बुक रिलेटेड है वो वीडियोस देखें,
और वो कभी ना देखे कि टाइम टेबल कैसे बना, ये सब अपने ऊपर है। थिंग इज गाइस, जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है कंपैरिजन, मत करो। मैंने 9th में यही गलती किया था कि मैं अपने आप को नीचे मानती थी, जो क्लास में अच्छे मार्क्स लाते थे उनसे बहुत नीचे मानती थी। तो ये कभी ना करें, आपके पापा मम्मी मार्क्स से तोलेंगे, तो उसमें भी कंपैरिजन ना करें। अपने आप से खुश रहना सीखे कि जो आपने जितना आपने मेहनत किया है, अगर मार्क्स नहीं आया तो फिर मेहनत कर लेंगे यार, गलती से सीखा करो। तो कंपैरिजन कभी ना करें, कि अगर आप, हम लोग कंपैरिजन ऐसे ही ना करते हैं कि जो क्लास में बच्चा है हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, भाई यही टॉप करेगा, लिख के ले लो, ऐसा रहता ना, तो ऐसा नहीं होगा। कंपैरिजन कभी ना करे। आप अगर कॉन्फिडेंट है ना अपने एग्जाम के बारे में, तो कोई मुंह का लाल नहीं रोक सकता आपको। ये 13 है गाइस, जो आपको नहीं करना चाहिए, लव अप के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है? तो आपका 10th गया, डूब गया, डूब गया, क्योंकि पहला पहला प्यार है, पहला प्यार कभी नहीं मिलता किसी को, समझे? तो इसमें कभी ना पढ़े भाई, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो थिंग है गाइस, आपको लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना है कि अभी तो 1-2 महीने बचे, उस टाइम कंप्लीट कर लूंगी। इतना प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे उस टाइम, तो ये चीजें कभी ना करें कि लास्ट वेट तक करना। मैं मानती हूँ कि असली पढ़ाई उसी टाइम होती है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है तो कुछ नहीं है। और वो कमेंट्स पे रहते हैं ना कि मैंने 2 महीने बाद ये पढ़ा, अरे पागल, कुछ नहीं है, तेरा लक था कि तुम कर लिया। शुरू से मेहनत करे, जो कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस मिलेगा वो चाहे किसी को ना मिले, ठीक है? अगर मेरा 10th एक्सपीरियंस को अगर एक पैराग्राफ में लिखना होगा या 2 लाइन में लिखना होगा, तो मैं ऐसे करूंगी, हार्ड वर्क प्लस राइटिंग रीडिंग, हाँ। थर्ड है क्वेश्चन पेपर जितने हो सके करे, और ज़्यादातर SST और साइंस के करे, उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यही मेन चैप्टर रहता है, किसी का साइंस अच्छा रहता है, किसी का SST। तो इन दोनों बुकों को आप जल्दी खत्म कर सकते हैं, आपके लिए एडवांटेज यही है, मेरा एक्सपीरियंस से लिख के ले लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करे, राइटिंग मेन है, उन्हें करे, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करे, फिर है उसके बाद वीडियो ना देखें, कॉन्फिडेंट रखें कि मैं कर सकती हूँ, एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर 10th क्लास, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं जरूर हेल्प करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी। एंड क्या तुमने कभी, नहीं प्यार नहीं किया पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी क्या आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो करो भाई, करो ना प्लीज। अरे अभी बोलते प्यार किया, बोले हाँ हाँ किया, अभी बोलते ना तो कर दो, 3 महीने होने जा रहे, 24 ही सब्सक्राइबर है, तो प्लीज चेक माई अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव फन।